में लगातार चुनावी नतीजों पर नजर रखी जा रही है। शुरुआती रुझान पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये शुरुआती रुझान है। कांग्रेस के कंट्रोल रूम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। चुनावी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान में कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इस वक्त हम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और कंट्रोल रूम में जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है वो लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर नजर डाले हुए हैं और प्रदेश भर से जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं को कलेक्ट किया जा रहा है, उनका आकलन किया जा रहा है। हमारे साथ संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी जी हैं, हमारे साथ गिरीश देवांगन जी हैं जो कि प्रभारी महामंत्री हैं। गिरीश जी, नतीजे आपके फेवर में नहीं आ रहे? नहीं, देखिए अभी तो प्रारंभिक रुझान है, अभी पूरा दिन बचा है। अलग अलग विधानसभा के काउंटिंग अलग अलग जिलों में हो रहे हैं, वहां से पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही विशेषकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अच्छा रिजल्ट यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में आएगा। क्या अनुमान है कितनी सीटें आएंगी? यहाँ हम लोग 9 सीट जीतेंगे। 9 सीट जीत रहे हैं अभी फिलहाल, कितनी सीटें जीत रहे हैं? अभी तो रुझाने हैं, उसको उसको जीतने की बात कैसे। चलिए, रुझान में कितने में आ गए? रुझान में अभी 6 से 7 सीटों में आ गए हैं। 6 से 7। शैलेश जी, बहुत सारे दावे आप लोगों ने किए थे लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान में वो दावे यथार्थ में बदलते नजर नहीं आ रहे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जिस कांग्रेस ने 2004, 2009 और 2014 में 1 सीट जीती थी, आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर आगे है। हमने अपने सीटों को 6 गुना बढ़ाया है और हमें पूरा विश्वास है हम 9 गुना 10 गुना बढ़ाकर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है और हमने तो मुद्दा बनाया था 60 दिन बनाम 60 महीने। तो 60 दिन में यदि हम जनता के बीच अपने समर्थन को 6 गुना बढ़ा पाने में सफल हुए लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो एक बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़। नहीं, लेकिन मैं तो पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ने जितने दावे किए थे उतने शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए थे। अगर आप देश की बात करें तो मैं फिर भी कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी ने पुलवामा के बाद सेना का राजनीतिकरण किया, आतंकवाद से लड़ाई का राजनीतिकरण किया, उस मुकाबले में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चुनाव आयोग की भूमिका पूरे देश ने देखी है और जिस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई, छत्तीसगढ़ आके जातिवाद बढ़ाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक आग में घी डालने की कोशिश की गई, इन सारे तरीकों में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस की सीटें 44 की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर अभी तो पूरे परिणाम आए नहीं है, अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, राजनीतिक समीकरणों को होने दीजिए, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो। यानी परिणाम तो बाद में आएंगे लेकिन रुझान जो आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उससे संतुष्ट है कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें बढ़ना एक शुभ संकेत है। अब ये सरकार बनाने की स्थिति तक हम जाएंगे कि नहीं, ये समय बताएगा। चलिए, तो अगर पूरे देश पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन जिसका नाम एनडीए है वो स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, इसमें तब्दीली मुमकिन है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई चुनाव में जब जब शुरुआती रुझान किसी पार्टी के पक्ष में आते रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आगे भी इस लीड को कायम रख सके। फिलहाल सबको बेसब्री से इंतजार है और कांग्रेस की टीम भी लगातार नजर रखे हुए है इस कंट्रोल रूम में। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।